नमस्ते, वर्ल्ड ऑफ रेसिपीज किचन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है वैशाली और आज हम सीखेंगे इकट्ठा की हुई मलाई से घर में घी कैसे बनाया जाता है और ज्यादा से ज्यादा घी हम कैसे बना सकते हैं। बनाना शुरू करते हैं। घी बनाने के लिए हमें चाहिए गाय या भैंस के फ्रेश मिल्क से निकला हुआ क्रीम। अभी हमें इस क्रीम को फेंटना है, तो इसको मैं बड़े बर्तन में ट्रांसफर कर लूंगी ताकि मुझे जगह मिले। ये मैंने फ्रिज के बाहर लगभग 3-4 घंटे पहले निकाल के रखा हुआ है, इसलिए इसका पानी अभी सेपरेट हो गया है। जब भी आप बटर बनाना शुरू करें तो क्रीम जो है फ्रिज से 1 घंटा पहले बाहर निकाल के रखिए। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑलरेडी पानी अलग हो चुका है। अब मैं ये फेंटूंगी अच्छे से। आप इस बटर निकालने की प्रोसेस को चम्मच से भी कर सकते हैं, बट इसको टाइम लगता है। लगातार फेंटने से 15 से 20 मिनट लगेंगे आपको बटर बनाने में, इसलिए हम लोग आज हैंड ब्लेंडर यूज करेंगे ताकि हमें जल्दी से अच्छा बटर मिल जाए। उसमें थोड़ा सा हम ठंडा पानी डालेंगे। थोड़ी देर में हम लोग ये ठंडा पानी इसमें डालते रहेंगे। तीन चार बार पानी डालने के बाद आप देख सकते हैं कि ये बटर अलग होने लगा है, यहाँ पर पानी दिखने लगा है हमें साइड में। यही प्रोसेस हम लोग कंटिन्यूसली करते रहेंगे जब तक ये बटर का एक अच्छा से गोला ना बन जाए। आप देख सकते हैं ये साइड में ये छाछ या बटर मिल्क तैयार हो रहा है और हमें काफ़ी सारा बटर मिला हुआ है इसमें से। हम इसमें से एक्सेस वाटर निकाल लेंगे अभी। अब मैं ये बटर के गोले को एक दूसरे बर्तन में रखूंगी। इसमें से जो छाछ निकली है उसको सेपरेट करते हैं। इसमें भी काफ़ी सारा बटर है। हम इसको फिर से एक बार प्लेन करेंगे ताकि इसमें जितना भी रहा हुआ बटर है वो निकल आए। आप देख सकते हैं बटर निकल रहा है। क्रीम से हमें इतना सारा बटर मिला है। अब हम इसका घी बनाने का प्रोसीजर शुरू करेंगे। अब इसको एक एल्युमिनियम के बर्तन में हम ट्रांसफर कर देते हैं। गैस का फ्लेम शुरू कर देते हैं और इसे धीमी आंच पे हमें पकाना है। अभी आप देख सकते हैं ये बटर मेल्ट हो चुका है। अभी ये धीरे धीरे घी छोड़ने लगेगा, तब तक हमें इसे पकाना है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये मक्खन से घी अलग होना शुरू हो गया है। अभी हमें काफ़ी देर इसको पकाना है। अभी आप देख सकते हैं कि इसका एक्सेस वाटर पूरा इवेपोरेट हो चुका है और एक मलाई जो है वो काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है। अभी थोड़ी देर और अगर पकाएंगे तो हमें ट्रांसपेरेंट सा ऊपर का लेयर मिल जाएगा। अभी आप देख सकते हैं ये घी लगभग बन चुका है, पर इसमें अभी थोड़ा कच्चापन है। जब ये नीचे का जो लगा हुआ क्रीम है वो जब ब्राउन हो जाएगा तब तक हमें इसे पकाना है, नहीं तो ये कच्चा रह जाएगा और इसको स्टोर करने के बाद ये ख़राब हो सकता है। ये घी अभी पूरी तरह से ठंडा हो चुका है। अब हम इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे किसी भी कांच की बोतल में। मेक श्योर इसको कांच की बोतल में ही ट्रांसफ़र करना है, प्लास्टिक में इसे स्टोर नहीं करना है। प्लास्टिक में घी ख़राब हो जाता है और जब भी आप कोई कांच की बोतल यूज़ करें तो उसको अच्छे से साफ़ करके धोकर उसको सूखा करके फिर उसमें अपने ढरना है। अगर बोतल सूखी नहीं है, उसमें कोई भी पानी का अंश अगर है तो आपका घी ख़राब हो सकता है उस बोतल में भरने के लिए। जब आप छानेंगे तो आपकी ये जो छन्नी है वो भी एकदम सूखी होनी चाहिए।
इस तले वाली मलाई को अच्छे से दबाकर पूरा घी उसमें से निकाल लीजिए। हमारा दानेदार घी तैयार है। ये घी मेरे 1 लीटर दूध से 15 दिन में जो मलाई इकट्ठा हुई है उससे बनाया है। लगभग 200 ग्राम घी हमें मिला है यहाँ पर। इसको अच्छे से बंद करके आप काउंटर पे भी छोड़ सकते हैं, ये रूम टेम्परेचर भी अच्छा रहता है। का नीचे हुआ बचा हुआ वेस्टेज था, हम उसको फिर से गर्म कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये फिर से घी छोड़ने लगा है। ये देखिए कितना सारा घी है इसके अंदर। हम इसको 5 से 7 मिनट और पकाएंगे। ये देख सकते हैं अब ये पूरा ब्राउन हो चुका है। हम अब इसको अलग से छान लेंगे एक अलग से कटोरी में। इसको अच्छे से दबाकर पूरा घी इसमें से निकाल लेते हैं। ये अलग से इतना घी मिला है हमें, ये थोड़ा सा ब्राउन कलर का है, तो आप इसे ऐसे ही अलग से यूज़ कर सकते हैं, टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं है। या फिर आप इसको भगवान के दिए में डालने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। मुझे आशा है कि ये इजी तरीके से आप घी बनाएंगे और एंजॉय करेंगे घर का बना हुआ ऑर्गेनिक घी। थैंक यू।